हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल एडोर कलेक्शन। और स्टार्ट करते हैं जो लास्ट वीडियो के होमवर्क क्वेश्चन थे। होमवर्क यानी जो आपको करने थे आपके घर में। ओके, बाय द वे आपके लॉकडाउन के डेज कैसे जा रहे हैं। आई होप आप उनको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहे होंगे टू अचीव योर गोल। एंड वॉट इज़ योर गोल इन दिस टाइम। ऑफकोर्स ये हमारी जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन हो गई है थोड़ी सी, लेकिन एग्ज़ाम तो होगी, तो इसलिए अपनी तैयारी में ब्रेक मत करिए। ओके, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 120 मीटर और 100 मीटर है। इसके अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता तैयार किया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर किसी भी पार्क या आयताकार कोई भी क्षेत्र है, पार्क है, बगीचा है, कुछ भी क्षेत्र, और उसके चारों तरफ, जैसे एक आयताकार पार्क है और उसके चारों तरफ अगर एक रास्ता बनाया गया है, ठीक है, सो कोई एक आयताकार पार्क है और इसके चारों तरफ रास्ता बनाया गया है, ठीक। तो इसमें दो कंडीशन होंगी। दो कंडीशन क्या, कि या तो रास्ता चारों तरफ बाहर साइड बनाया गया है ना, या फिर उस क्षेत्र के अंदर बनाया गया है। देखिए, अगर ये आयत हम ले रहे हैं जो बाहर साइड आयत है, तो रास्ता किधर है, अंदर साइड है ना। और अगर आयत ये है जो अंदर वाला लिया, तो रास्ता होगा बाहर साइड, ठीक है। तो अगर हमको दिया जाता है कि आयत के बाहर रास्ता है, सपोज ये आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये है एल और बी है ना, और ये रास्ते की चौड़ाई एक्स है, तो जब रास्ता कहाँ पे है, बाहर के साइड, तो हमारा फॉर्मूला क्या था इसको फाइंड आउट करने के लिए, ये था 2x एल प्लस बी प्लस 2x है ना। लेकिन हमारे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंदर की ओर, ठीक है। तो यानी जो आयत है वो क्या है, ये है, ये लेंथ और ये ब्रिज। तो इस समय हम फॉर्मूला जो लगाएंगे वो होगा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, है ना। तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा इज इक्वल टू 2x, और यहाँ पे हमें ये 2x को माइनस कर देना है, क्लियर। ये 2x को हम माइनस कर देंगे, तो करते हैं वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे x क्या है, x है हमारे रास्ते की चौड़ाई, जो हमें कितनी दी है यहाँ पे 5 मीटर, ठीक है, और लंबाई कितनी दी है 120 मीटर और चौड़ाई कितनी दी है 100 मीटर, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो 2 × 5 एल यानी 120 और बी यानी 100, और इसमें से वापस से 2 × 5 को माइनस करना है, राइट, यही करना है। तो अब करते हैं इसको, ये आएगा 10, ये 220 माइनस 10, तो यहाँ पे 10 × 210 210 है ना। सो 120 और 100 को प्लस करेंगे तो 220, और 2 × 5 2 × 5 10, माइनस करेंगे तो 210, तो ये ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा, 2100 यानी 2100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 2100 मीटर स्क्वायर, राइट। दूसरा क्वेश्चन जो था वो था पेडागोजी से, तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है, यह कथन है, ये किसका कथन है। चार ऑप्शन है, हॉगवेन का, आर्यभट्ट का, बर्नार्ड शॉ का या पियर्स का। तो राइट आंसर है हमारा बर्नार्ड शॉ, ये कथन था बर्नार्ड शॉ का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं के योग और घटाव का अनुपात 15:11 है, यदि इसका घटाव 99 हो तो उसका योग कितना होगा। इफ द रेशियो बिटवीन सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 15:11,
देन गिवन है कि डिफरेंस 99 है, देन इसका सम क्या होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल से हमें क्या गिवन है, सपोज दो नंबर्स एक्स और वाई है, राइट। तो एक्स प्लस वाई इक्वल क्या गिवन है हमको, माने गिवन है एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये रेशियो गिवन है कितना, 15/11, राइट, 15/11। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसके अलावा हमको डिफरेंस भी गिवन है एक्स माइनस वाई जो भी है, तो वैल्यूज पुट करो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 99 गिवन है 15/11, राइट, लिया ना। देखिए रेशियो गिवन है और क्या गिवन है कि दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है, 99। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यही x प्लस वाई हमें निकालना है, क्योंकि उसका योग कितना होगा, दो संख्याओं का योग कितना होगा, 15/11 गुणित 99, 9 जा 59 जा 135, ठीक है। तो सही आंसर क्या है हमारा, 135। ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ये ट्रिक बताना चाहूँगी, ट्रिक किस तरीके के क्वेश्चन के लिए है। यदि किसी आयत की चौड़ाई की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः x प्रतिशत और y प्रतिशत से घटा दिया जाए और या बढ़ा दिया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, यानी एक लंबाई गिवन है और एक चौड़ाई गिवन नहीं है, सिर्फ ये परसेंटेज गिवन है कि कितने परसेंट से बढ़ा दी गई है, और उसके बाद या तो दोनों को घटाया जाए या तो दोनों को बढ़ाया जाए। देखो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि एक को अगर घटाए तो दूसरे में कितनी कमी होगी, कितनी अधिकता कितना बढ़ जाएगा, और दूसरे को अगर बढ़ाएं तो दूसरे लंबाई, जैसे लंबाई को अगर हम बढ़ाते हैं तो चौड़ाई कितने प्रतिशत से कम होगी, इस तरीके की एक ट्रिक हमने डिस्कस करी थी। इसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ा दिया जाए तो टोटल क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, या लंबाई और चौड़ाई दोनों को घटा दिया जाए तो टोटल क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। ठीक है, वृद्धि और कमी। देखिए अगर हम बढ़ाते हैं तब ये वाला फॉर्मूला वर्क करेगा, और अगर हम क्वेश्चन में अगर घटा रहे हैं तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये क्या है, एक्स प्रतिशत अगर लंबाई को घटा रहे हैं ये बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे बढ़ाने के लिए हम डिस्कस करते हैं पहले, अगर हम x प्रतिशत लंबाई को बढ़ा रहे हैं और y प्रतिशत चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं तो फिर टोटल जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो होगी x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 100, और अगर हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को घटा रहे हैं, लंबाई को x प्रतिशत घटा रहे हैं और चौड़ाई को y प्रतिशत घटा रहे हैं तो टोटल जो क्षेत्रफल में कमी होगी, अब दोनों को घटाएंगे तो कमी होगी ना, तो ये होगा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। देखिए इस क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन में जो बने, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दिया जाता है, यानी लंबाई को कितना बढ़ा रहे हैं 20% और चौड़ाई को कितना बढ़ा रहे हैं 30%, तो उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो प्रतिशत वृद्धि निकालिए क्षेत्रफल में, प्रतिशत वृद्धि के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। देखिए क्या, x प्लस वाई ओके प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो x यानी लंबाई में वृद्धि और y यानी चौड़ाई में वृद्धि, लंबाई में 20 है और चौड़ाई में 30 है, प्लस 20 × 30/100, ठीक है, तो ये कितना आएगा 50 + 600/100, तो ये क्रॉस हो जाएगा 50 + 6 56%, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये फोर्थ। ऑलराइट, समझ आया। अब अगर ये कहा जाए कि प्रतिशत कितना प्रतिशत घटाएं, लंबाई और चौड़ाई को घटाया गया है किस कुछ प्रतिशत में तो क्षेत्रफल में कमी क्या होगी, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ऐसे ही कुछ इसी फॉर्मूले के यूज से जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ ओके, उसके और साथ में मैं आपको एक पेडागॉजी का क्वेश्चन दे रही हूँ जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप उस क्वेश्चन को खुद से करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, अगर आपको आता है तो करिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आयत की लंबाई को 20% और चौड़ाई को 5% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की
कमी होगी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई में दोनों में प्रतिशत कमी कर रहे हैं, तो आपको क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी निकालना है कितनी होगी। ऑप्शन है 24%, 26%, 22% और 27%। ठीक है, अगला क्वेश्चन पेडागोजी से है। गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के प्राप्त उद्देश्य को कहते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, अभिरुच्यात्मक उद्देश्य या प्रशंसात्मक उद्देश्य। ओके, आप इन दोनों क्वेश्चंस को करिए और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके आंसर्स भी बताएंगे। दोस्तों हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक ग्रुप की लिंक मिलेगी, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप हमारे वीडियोस या हमारे जो स्टडी मटेरियल है वो उस ग्रुप पे आपको मिल सकते हैं। साथ में आप अपने भी, जो आपके पास अगर आपका ऐसा कुछ स्टडी मटेरियल है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं या समथिंग एल्स, तो आप उस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक